बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर 11 फरवरी को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेंगे तथा 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित प्रोटेस्ट मार्च में शामिल होंगे तथा अपनी मांगों को राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित करेंगे। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता में देते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अधिवक्ताओं की 5 सूत्री मांग को केंद्र सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर अधिवक्ता पहली बार सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने बताया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पारित प्रस्ताव के क्रम में हम लोग आज वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पारित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो है 1 मार्च 2014 को गुजरात में जो है अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो है घोषणा किया था कि यदि वह प्रधानमंत्री बनते, उनकी सरकार बनती है, तो वह अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो है वह कार्य करेंगे। और उस घोषणा के क्रम में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव पारित किया और विभिन्न मांगों को जो है प्रस्ताव में उन्होंने उल्लेख किया है। उसके क्रम में हम सभी लोग जो है आज प्रेस वार्ता के लिए उपस्थित हैं और हम लोगों की मांग है कि भारत सरकार जो है बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करे, जिससे पूरे देश के अधिवक्ताओं के लिए जो है वह भवन, लाइब्रेरी और सारी सुविधाओं से युक्त जो है वह व्यवस्था कायम किया जाए और महिलाओं के अधिवक्ता के लिए अलग से भवन, अलग से जो है उनके लिए जो है सुविधाओं को जो है परिपूर्ण किया जाए। इसके अलावा जो है हम सभी लोगों की ये मांग है कि अधिवक्ताएं उनके आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपए की बीमा सुविधा प्रदान किया जाए तथा जूनियर अधिवक्ताओं को 10,000 रुपया महीना स्टाइपेंड दिए जाने की व्यवस्था किया जाए। अधिवक्ता के मृत्योपरांत या गंभीर बीमारी या दुर्घटना होने की स्थिति में उनके आश्रितों को संरक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाए और हरियाणा सरकार द्वारा जिस तरह से अधिवक्ताओं को जो है भूखंड और सस्ते दर पर जो है ऋण दे करके उनके आवास के निर्माण के लिए जो है व्यवस्था कायम किया गया है, उसी तरह से जो है यहाँ के भी अधिवक्ताओं को व्यवस्था किया जाए। लीगल सर्विसेज एक्ट में आवश्यक संशोधन किया जाए और न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की तरह अधिवक्ताओं को भी जो है कार्य करने की वह सुविधा प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ जो है पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है अधिवक्ता कल्याण निधि की धनराशि 10 लाख रुपए किए जाने की जो है हम लोगों की मांग 2009 से चल रही है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा जो है 3 अक्टूबर 2018 को जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के शताब्दी समारोह के अवसर पर उन्होंने किया कि इसके संबंध में बहुत ही जल्द सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं कि अधिवक्ता कल्याण निधि की जो धनराशि के लिए जो है हम लोगों की लड़ाई चल रही है, उसके संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाए और अधिवक्ताओं के लिए जितने भी मांगे हैं वो सारी मांगों को उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है वो उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को मुहैया करावे। और इस क्रम में हम सभी लोग जो है इस मांग पत्र को जिलाधिकारी को जो के माध्यम से भारत सरकार को दिनांक 11 तारीख को 11 फरवरी को जो है वो सौंपेंगे और उसके बाद 12 तारीख को जो है भारत सरकार को माननीय जो है राज्यपाल महोदय के माध्यम से भारत सरकार को हम लोग प्रेषित करेंगे और इस दोनों दिन जो है हम सभी लोग न्यायिक कार्य से व्यस्त रहेंगे।